नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। आज हमारे साथ में स्टूडेंट एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं, और वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो पिछले एक साल से तिहाड़ जेल में थे यूएपीए कानून के तहत। हाईकोर्ट और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली और अब वो तिहाड़ से बाहर हैं, जेल से बाहर हैं। हमारे साथ में जुड़ चुकी है नताशा नरवाल। बहुत बहुत स्वागत है नताशा। शुक्रिया नताशा। सबसे पहले तो ऑब्वियस क्वेश्चन है कि कैसा फील हो रहा है, लेकिन इस एक लाइन के क्वेश्चन में मुझे लगता है पूरे एक साल का दर्द है वो छुपा होगा आपके जवाब। क्या कहिए? हाँ, अभी भी असल में हम लोग एक ही दिन हुआ है अभी बाहर आए हुए, और आई थिंक अभी भी ये फीलिंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी पूरा सच नहीं है, इसे शायद सपना देख रहे हैं, कल उठेंगे तो शायद टूट जाएगा। अभी तक इस तरीके की एक फीलिंग है, और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ, सडनली हुआ, बेल मिली और उसके बाद 2 दिन और लगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट, और मतलब ये सारी चीजें मिला के काफी एक अचानक चीजें हुई और बहुत ही एक सरियल एक्सपीरियंस रहा। तो आई थिंक वो थोड़ा समय लगेगा खुद को भी समझने में कि असल में कैसा लग रहा है। लेकिन जेल के अंदर जब ये पूरा मामला हुआ था 22-23 फरवरी और फिर 24 फरवरी को वायलेंस हुआ दिल्ली में, पूरा एक साल है वो जिस रूप में बीता, जब आपका नाम उसमें एज एक्यूज्ड आया और इतना सीवियर उसके अंदर आपके पास चार्जेस लगे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत, तो आपको व्हाट डू यू उस टाइम आपके जहन में चल क्या रहा था कि अचानक ये जब जानकारी मिली और अचानक पुलिस के एक्ट है वो शुरू हुए, और आप चूंकि स्टूडेंट एक्टिविस्ट रही हैं, किस तरह की फीलिंग थी आपकी, परिवार की, कैसा उस वक्त में ख्याल था सेम? ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस था। तो उससे पहले, मतलब मेरे और देवांगना के अरेस्ट से पहले कुछ और एक्टिविस्ट जो पार्टिसिपेट कर रहे थे मूवमेंट में वो अरेस्ट हो चुके थे, तो एक पैटर्न समझ में आ रहा था कि किस तरीके से एक्टिविस्ट को उठाया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है इस तरीके की चार्जेस के अंडर। बट फिर भी एक जिस तरीके से सारी चीजें हुई, एक के बाद एक अरेस्ट, एक FIR में अरेस्ट होना, उसमें बेल भी मिल जाना, फिर अगली FIR आपका इंतजार कर रही है, तो और फिर तीसरी FIR आपका इंतजार कर रही है, तो जिस तरीके से वो पूरी चीज हुई वो काफी काफी शॉकिंग था। और जिस तरीके के एलिगेशंस अपने ऊपर सुने वो भी, मतलब एक कई एक्चुअली कई महीने लगे हमें उस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करने में। कई बार इवन जेल में भी हम लोग एक दूसरे की शक्ल देखते थे और सोचते थे कि क्या ये सच में हो गया है, क्या ये सच है, क्या सच में हम तिहाड़ जेल में हैं ऐसे यूएपीए के अंडर, ऐसे चार्जेस के अंडर। तो वो भी एक काफी शॉकिंग पूरा एक्सपीरियंस था। इस बीच परिवार ने बहुत कुछ संघर्ष किया और आपके पिता हैं वो भी संघर्ष करते रहे इसमें, इस पूरे दौरान, और उनका निधन भी हुआ, तो एक एक वो टीस है वो जहन में हमेशा रही कि क्योंकि एक तो इतना बड़ा, इतनी बड़ी मुसीबत आई और ऊपर से फिर जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए था परिवार से वो खुद भी नहीं रहे और पूरा परिवार है अस्त व्यस्त हुआ। जी वो तो एक मतलब उसको मैं क्या कहूँ, जो मेरे पास भी शब्द नहीं है, और उसकी जो टीस है, उसका जो पेन है, दर्द है, वो तो और जो एब्सेंस है, एक कमी है, उसको तो कोई भी चीज़ पूरा नहीं कर सकती और कोई भी चीज़ भर नहीं सकती। मगर ये है कि मुझे पता है कि मतलब हमेशा मेरे फादर भी बहुत सारे संघर्षों से जुड़े रहे थे, और वो भी असल में जेल गए थे इमरजेंसी के टाइम पे, तो 6 महीना वो भी जेल में रहे थे उस समय, तो वो भी बचपन से कहानियां मैं सुनते आ रहे थे, तो एक मतलब मुझे और भी ज्यादा कनेक्शन फील होता था उनके साथ इस दौरान में, और जितना सपोर्ट उन्होंने मेरे संघर्ष को दिया, और मैंने भी जो अपना जिंदगी में सीखा है, जो वैल्यूज सीखी है, जो लड़ना सीखा है,
वो सब उन्हीं से सीखा है, तो इन सारी चीजों के साथ मुझे अभी भी लगता है कि वो मेरे साथ है और हमेशा रहेंगे। वेलकम देवांगना। थैंक यू। जो सवाल उठते हैं लगातार, JNU में ऐसा होता है, उसमें इंटरनेशनल एक्टिविटीज होती हैं, नारे लगते हैं देश विरोधी और तमाम चीजें होती हैं, क्या आप उस पर क्या दलील देना चाहेंगे, क्योंकि पूरा देश है वो आपको सुनेगा ईटीवी भारत के जरिए, कि JNU के स्टूडेंट्स जो कि इस पूरे मामले में जेल में रहे हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगे, वो क्या कहते हैं JNU के इस तमाम जो एलिगेशन लगते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, क्या कहिए? मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर सवाल पूछना, अगर सरकार के पॉलिसीज के ऊपर, सरकार के कुछ जो नीतियां होती है, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उसके खिलाफ अगर सवाल उठाना देशद्रोह होता है, तो ये बहुत ही एक गलत इंटरप्रिटेशन है कि देश क्या होता है और विद्रोह क्या होता है उसका। अगर हम जैसे अभी अगर हम JNU का ही बात करें, जो वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट मूवमेंट जो हुआ था कि फीस को लेके, कि JNU का फीस जो बहुत अधिक बढ़ाया जा रहा था, तो अगर स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, वो किसान का बच्चा हो, वो मजदूर का बच्चा हो, वो किसी का भी बच्चा हो, हमें एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमें वो हक है पढ़ाई के लिए। एज अ यंग वुमेन जिसके ऊपर शादी का प्रेशर रहता है, बहुत अलग अलग प्रेशर्स रहता है, मुझे हक है एक एक्सेसिबल एजुकेशन का, एक अफोर्डेबल एजुकेशन का। तो ऐसे सवालों को जब हम उठाते हैं, अगर इसको देशद्रोह माना जाता है, और ऐसा एक कानून जो बेसिकली कॉलोनियल टाइम्स से चला आ रहा है, और जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ये कानून जिस हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि ये कानून जो अंग्रेजों के जमाने में था, वो कानून अभी भी क्यों लागू है, और मतलब अलग अलग सरकारों ने इसको अलग अलग तरीके से, ये डेमोक्रेटिक राइट्स, हम पढ़ाई किस लिए करते हैं, हम पढ़ाई सिर्फ अपने करियर बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम पढ़ाई समाज बदलने के लिए भी करते हैं। तो उसमें अगर यूनिवर्सिटी के अंदर मुसलमानों के हक के बारे में, दलितों के हक के बारे में, औरतों के हक के बारे में, आदिवासियों के हक के बारे में बात हो रही है, तो इसको हम कैसे देशद्रोह बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे देश के लोग ही है, और इन देश के लोगों का क्या अधिकार है, क्या हक है, उनके साथ देश में क्या भेदभाव चल रहा है, उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन, क्या इनजस्टिस, क्या ऑप्रेशन, क्या उत्पीड़न हो रहा है, इन सब के बारे में अगर हम यूनिवर्सिटी में बात नहीं करेंगे, तो पढ़ाई का ही क्या मतलब हुआ। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ।